ये है मेरा संडे स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं हर संडे नहीं करती हूँ। यस, मैं महीने में किसी एक संडे में ये स्किन केयर कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम लाइक अपने स्क्रब कब अप्लाई किया था। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्किन केयर करते हैं तो भी फेस पर एक्नेज आ जाते हैं, तो ओवर स्किन केयर करना भी हार्मफुल हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर मैंने क्विंच का फेस मास्क लिया है। ये फेस मास्क मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे फेस से सारा ऑयल सक कर लेता है। मेरी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है और इस टाइम रेनी सीजन के टाइम तो बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता है स्किन पे मेरे। एंड ये अच्छे से ड्राई जब हो जाएगा ना तो आपका फेस काफी ज्यादा टाइट लगेगा, और इसको उतारने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सारा ऑयल आपके फेस से निकल गया अच्छे से। अब मैं एक और क्विंच का यहाँ पे शीट मास्क यूज कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली शीट मास्क बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि इनको लगाते टाइम इतना ज्यादा मेस क्रिएट होता है ना, इसका लिक्विड जितना शीट में होता है उससे ज्यादा तो मेरी टी शर्ट पर ही गिर जाता है, और इसको लगाने के बाद शक्ल जो है भूत सी अलग बन जाती है। तो इसलिए मुझे शीट मास्क ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ये मेरे पास पीआर वाला शीट मास्क पड़ा हुआ था, इससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाता मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेते हैं, वेस्ट क्यों करना। इसको 10-15 मिनट लेके अच्छे से मैंने अप्लाई किया, बीच में से मैंने कट भी किया इसको ताकि ये मेरे जो है फेस पे पूरा लग जाए। उसके बाद जो भी लिक्विड इसके पैकेट में बचा हुआ था मैंने कोशिश करी उसको अच्छे से मैं अपने फेस पे लगा लूं, और जितना एक्स्ट्रा लिक्विड था वो फेस पे लगाया और आधा अगेन मेरी टी शर्ट पे गिर गया हमेशा की तरह। अगेन इसको आपको रखना है 10-15 मिनट्स अच्छे से, उसके बाद आपको हटाना है इसको। और नो डाउट मेरी स्किन को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बट मेरे को इतना ज़्यादा मेस क्रिएट करना नहीं अच्छा लगता। ओके, तो मैं नॉर्मल फेस मास्क लगा लेती हूँ। अच्छे से आपको इसको मसाज करना है अपनी स्किन में और अपना फेस वॉश नहीं करना है। ध्यान रखना शीट मास्क ओवरऑल अच्छा है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग करेंगे लिप स्क्रब महंगे वाला थोड़ा सा। ये मेरा सबसे पहला पीआर प्रोडक्ट था, लाइफ का सबसे पहला इन्फ्लुएंसर जर्नी जब मैंने स्टार्ट करी थी ना तब ये सबसे पहला स्क्रब मुझे पीआर में रिसीव हुआ था। एंड ये स्क्रब रास स्किन केयर का है, इतना ज़्यादा महंगा और लग्जरी सी इसकी पैकेजिंग है, और इसके साथ आपको स्पैचुला मिलता है जिससे आप स्क्रब अप्लाई कर सकते हो अपनी लिप्स पे। वो बात अलग है, आपको मसाज अपनी फिंगर से ही करनी पड़ेगी एंड में। अच्छे से इसको आपने मसाज करना है अपने लिप्स पे। इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, जब तक वो आपके लिप्स में ना चले जाए ना तब तक आपने टेढ़े मेढ़े मुँह बना के अच्छे से मसाज करना है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है हैप्पियर की सनस्क्रीन। ये मेरी फेवरेट सनस्क्रीन नहीं है बट अभी मेरी सनस्क्रीन ख़त्म थी तो इसलिए मैंने सोचा ये यूज़ कर लूँ। मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है क्विंच की सनस्क्रीन, ये मुझे रिसेंटली पीआर में रिसीव हुई है। सो तब तक के लिए उससे पहले मैं हैप्पियर की ही यूज़ कर रही थी, तो अब जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती तब तक क्विंच की सनस्क्रीन नहीं खुलेगी। इसको अच्छे से मैंने अप्लाई किया अपनी स्किन में और बहुत अच्छी सी ग्लोई एंड शाइनी सी स्किन मेरी हो गई थी। तो ये था मेरा संडे का स्किन केयर रूटीन। कमेंट बॉक्स में आपको सपड़ा के लिंक्स मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।